फार्म हाउस से पार्टी मनाकर लौट रहे तहसीलदार और पटवारी लापता। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने किया गुमशुदगी का मामला दर्ज। सीवन नदी में शुरू की तलाश। रविवार की रात एक फार्म हाउस से पार्टी मनाकर लौटे एक तहसीलदार और पटवारी लापता हो गए। जब सोमवार की सुबह तक दोनों घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने मंडी थाने में उनके गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। मंडी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार शाम को सिवनी मालवा में पदस्थ सीहोर निवासी तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर और नसरुल्लागंज में पदस्थ सीहोर निवासी पटवारी महेंद्र रजक अपने दोस्तों के साथ भोपाल इंदौर हाईवे के पास स्थित रफीकगंज में एक फार्म हाउस पर पार्टी मनाने के लिए गए हुए थे। पार्टी मनाने के बाद नरेंद्र ठाकुर और उनके महेंद्र रजक i20 कार में एवं उनके साथ पार्टी में गए राहुल आर्य और महेंद्र शर्मा एक दूसरी कार में सवार हो गए। दोनों कारें एक साथ फार्म हाउस से निकली थी, लेकिन तहसीलदार नरेंद्र ठाकुर और महेंद्र रजक सुबह तक घर नहीं पहुंचे। दोनों के फोन भी बंद हो गए हैं। सुबह जब परिजनों ने उनका पता किया तो फोन बंद था और कहीं पर भी उनका पता नहीं चल सका। इसके बाद नरेंद्र ठाकुर और महेंद्र रजक के परिजनों ने मंडी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। मंडी थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर ने बताया कि दोनों की तलाश जारी है। प्राथमिक जांच में कार को मंत्री पेट्रोल पंप से निकलते हुए कैमरे में देखा गया है। इसके बाद कार किस तरफ गई यह पता नहीं चला है। रात में बारिश भी तेज थी। सीवन नदी भी उफान पर थी। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। सीहोर आज सुबह करीब 9 बजे छापरी खुर्द के पास महेंद्र रजक पटवारी का शव नदी के बीच में से प्राप्त हुआ है। अवंतीपुरा के पास नदी और डैम के बीच i20 कार फंसी हुई है, जिसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है।